करवा चौथ और दिवाली स्पेशल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता मीठी मटरी की रेसिपी। बहुत ही अलग तरीके से बनती है और इसका टेक्सचर देखिए कितना लाजवाब है। आप इसे एज ए स्नैक्स यानी बिस्किट के रूप में भी शाम के चाय के साथ खा सकते हैं और इतनी लाजवाब है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। मार्केट से बहुत अच्छी बनती है और घर के सामानों से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी रेसिपी लगती और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमने चीनी लिया तो एक देखिए एक कप का मेजरमेंट है तो लगभग एक कप से कम हमने यहाँ पे चीनी ली है। लगभग 3/4 हमने यहाँ पे चीनी लिया है और साथ में यहाँ पे हम डालेंगे एक खास चीज। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 इलायची जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हम सौंफ ले लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है दोस्तों ये बिस्किट की और मार्केट से भी लागुना अच्छी बनती है। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर लिया और इस मिक्सर ग्राइंडर में इस चीनी को सौंफ को और इलायची को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने एक बॉल लिया है और यहाँ पे हम ले लेते हैं सूजी। सूजी मोटी या बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। तो लगभग 2 कप हमने यहाँ पे सूजी ऐड कर लेना है। ज़्यादा अगर मोटी है तो आप क्या करें हल्की सी मिक्सर ग्राइंडर में चला लें, लेकिन वैसे चलाने की जरूरत नहीं है। मेरी ये सूजी भी हल्की सी मोटी है। साथ में यहाँ पे 1/2 कप मैदा लेंगे। मैदा अगर नहीं खाना चाहें तो यहाँ पे 1/2 कप आटा आप ले सकते हैं। इसमें अभी हम और मैदा डालेंगे दोस्तों, लेकिन बाद में। साथ में यहाँ पर हमने आधी चम्मच यहाँ पर अजवाइन ली है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिस्किट में। चाहे आप तो यहाँ पर जीरा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर 2 चम्मच हम सफ़ेद वाले तेल ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने रोस्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, जो डायरेक्ट तेल आते हैं ना वाइट कलर के वो डाला। साथ में छोटी चम्मच से हम आधी चम्मच यहाँ पे नमक ऐड कर लेते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी ये मीठी बनने वाली है। और साथ में यहाँ पे 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लेते हैं। मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, इसे डाल देते हैं और इसे पहले अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने चीनी पीसी है ना, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी हम मोयन डालते हैं ना कोई चीज़ में तो उसको पहले अच्छे से यहाँ पे आपको मिक्स कर लेना है। चीनी और तेल को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होते हैं ना कि उसमें पता नहीं चलता है और फिर हम डाल देते हैं और वह हल्की सी मोयन उसमें मिलते नहीं और खास्ता हमारे बनते नहीं है। तो एक साथ मिक्स नहीं करके पहले हम मोयन अच्छा से लगा लेते हैं इसमें। तो देखिए अच्छे से मोयन यहाँ पे लग चुका है, इस तरह का आपका टेक्सचर आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से और अंत तक रेसिपी देखिएगा तो ये जो है ना कुकीज़ आपकी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं पीसी हुई चीनी जो हमने मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड किया था। ये देखिए बिल्कुल बारीक हमने पीस कर तैयार की है। इसमें सौंफ बिल्कुल पता नहीं चल रहा है और ग्राइंड भी अच्छे से हो गए हैं और इलायची का पाउडर भी अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड हो गया। अगर ऐसे इलायची पीसने जाएँ तो उसमें उसके छिलके रह जाते हैं, लेकिन अगर चीनी के साथ पीसेंगे ना तो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। अब इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, लगभग 1 कप हमने दूध लिया है और ये हल्का सा गर्म दूध है, यानी कि गुनगुना दूध है। गुनगुने दूध से इसका हम डो लगा कर तैयार करेंगे। गुनगुना दूध इसलिए लिया है दोस्तों ताकि जो सूजी है ना वो हल्की सी यहाँ पे फूल जाए और सेट हो जाए। अब इसमें एक चीज और डलेगी दोस्तों जिससे इसमें बाइंडिंग आएगी सूजी में, तो इसमें हम मैदा यूज करें। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी इसका डोप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लगभग अभी एक चौथाई ही मैंने यहाँ पे डाला है। लगभग इसमें 1 कप और 1/4 इसमें गेहूं का आटा या मैदा इसमें डलता है। तो आप धीरे धीरे ऐड करते हुए इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मिलाएं। एक बार डाल के बिल्कुल भी नहीं मिलाएं, इससे क्या होगा ना कि एक साथ डाल देंगे ना आपको तो फिर दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए मैं ये बात आपको बोल रही हूँ। अगर दूध की आपको जरूरत पड़े तो थोड़ा सा और इसमें दूध ले सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ। तो टोटल कितना यूज़ किया है मैं आगे आपको बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। और सूजी है ना दोस्तों बिल्कुल बारीक वाली लीजिएगा, जो एकदम फाइन वाली आती है ना सूजी, वो आपको लेना। नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में चला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैदा सिर्फ बाइंडिंग के लिए दे रहे हैं। तो 1 कप और 1/4 ही डाला है आपके, थोड़े से कम या ज़्यादा हो सकते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मिक्स करें, इसका एक डो बन जाना चाहिए और कुछ भी नहीं, कोई भी साइंस रॉकेट नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो गया है और ये डो भी हमारा तैयार हो गया, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा सख्त है। देखिए हल्का सा मीडियम रखा है, हल्की सी सख्त है, मैं भी गलत बोल रही हूँ दोस्तों, हल्की सी सख्त है। तो 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं इसे, उसके बाद इसके हम बिस्किट बनाएंगे। और दूध मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूध हमने यहाँ पे कितना यूज़ किया। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, देखिए 1/2 कप ही हमने दूध हमारा यूज़ हो पाया है, क्योंकि 1 कप लिया था, 1/2 कप यूज हुआ है। चलिए 15 मिनट हो गया, अच्छे से सेट हो गया, टाइट है हमारा, सूजी भी अच्छे से फूल गई है, है ना। बिल्कुल गीला नहीं चाहिए, गीला रहेंगे ना दोस्तों तो यह बिस्किट हमारे खास्ता नहीं बनेंगे। तो खास बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइट डो लगाइएगा
और ये देखिए मैं एक ये चम्मच ली हूँ टीस्पून वाले, ताकि उससे सही नाप से हमारे बिस्किट बने, कोई बड़े या छोटे नहीं बने, तो उसी के नाप से हमने यहाँ पे निकाल लिया। बस इसे गोल का शेप देते हैं, मनपसंद शेप देते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर भी दे सकते हैं चाकू से कट करके, नहीं तो गोल का भी दे दिए। तो देखिए गोल का शेप मैंने दिया, और कितने खूबसूरत हमारे ये सूजी के बिस्किट, लाजवाब, इतनी टेस्टी बनती है ना दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई कीजिएगा। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं दोस्तों, है ना, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, या कहीं आप टूर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो इस बिस्किट को बना कर ले जाइए सफर पे, बिल्कुल महीने भर तक खराब नहीं होगी। और देखिए मैंने पूरे को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अभी इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम आपका होना चाहिए मीडियम हॉट, है ना, मीडियम पे रखना है, और मीडियम हॉट भी होना चाहिए, गर्म, ज्यादा गर्म भी नहीं रखना और कम ठंडा भी नहीं रखना, नहीं तो बिखर जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ दोस्तों इस बात को, फिर कहेंगे कि आपने बात रिपीट करते हैं। मीडियम हॉट ऑयल चाहिए गर्म, और मीडियम फ्लेम पे भी चाहिए, है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हल्के हाथ ऊपर रख के चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी दोस्तों तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की और अच्छी बनी। नहीं तो फिर क्या होता है, आधी अधूरी जानकारी में रेसिपी खराब बन जाती है, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होती कि आपके सामान भी खराब हो गए। तो इसलिए सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिये हमने यहाँ पे सुनहरा रंग ही इसे फ्राई किया है, ज्यादा डार्क कलर नहीं किया, क्योंकि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं गर्माहट से, और ये धीरे धीरे अंदर से कुक होते रहते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो देखिये सारे बिस्किट को, सूजी के बिस्किट को हमने कर लिया है, निकाल लिया है, और कितने अमेजिंग और टेम्पटिंग लग रहे हैं। पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, बस आप इसे यहाँ पर स्टोर कर लें। इतनी लाजवाब लग रही है दोस्तों, बस लग रहा है अभी खा लो, लेकिन अभी थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, गरम गरम जब निकलते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, उसे ठंडा होने दे पूरी अच्छी तरह से। मैं आपकी आवाज इसको सुना देती हूँ, कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं। तो इतने सारे हमारे बिस्किट सूजी के बनकर तैयार है। तो चलिए इसे पूरी अच्छी तरह से ठंडे होने देंगे, और इसे मैं आपको तोड़ करके भी दिखा दूंगी कितनी शानदार बनी है हमारी सूजी की बिस्किट। ये देखिए, तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अपना सजेशन भी दीजिएगा कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी मेरे चैनल पर देखनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।